बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में, टॉपिक है माइंड रिचनेस यानी जहनी आसूदगी। होता यह है कि हम दौलतमंद हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, मगर जहनी आसूदगी नहीं होती, माइंड रिचनेस नहीं होती। इसका दूसरा हम अगर एंगल से लेंगे तो होगा कि पावर ऑफ माइंड यानी जहन का पावर। चाहे हम कितने ही करोड़पति हों, हमारे पास कितनी ही दौलत हो, अगर हमारी जहनी आसूदगी नहीं होगी तो हम फिर दोबारा से ज़ीरो आ जाएंगे। चाहे हमारे पास दौलत न हो, अगर जहनी आसूदगी होगी, माइंड रिचनेस होगी, आइडियाज़ होंगे, इसी जहन से हम काम करेंगे तो फिर दोबारा अमीर बन सकते हैं। तो दुनिया में अगर किसी बंदे इस शख्स को, किसी सोसाइटी को मूव करना है तो वहाँ आइडियाज़ पे आइडियाज़ आने ज़रूरी हैं, वरना फिर जहनी पसमानदगी शुरू हो जाती है। तो उस पर एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं, आज चाहूँगा उससे डिस्कस करूँ। किताब है इट हैपेंड्स इन एटलांटा, एटलांटा की शख्सियत हैं। तो उनका नाम है जॉन स्टिथ पेम्बर्टन। तो अब 1831 में उनकी पैदाइश है, 1888 में वो डेथ हुए हैं, 57 उनकी उम्र थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चाहूँगा आप भी उस शख्सियत से हो सके वाकफ न हो, मगर उनकी कारकर्दगी से ज़रूर वाकफ होंगे। तो वो लिखते हैं, उनके राइटर हैं इट हैपन इन एटलांटा, उनके जॉन मैककी लिखते हैं कि 19 साल के हुए तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज से फार्मा की डिग्री ली। दिलचस्पी उनकी केमिस्ट्री में थी और छोटे छोटे तजर्बात करने लगे। 20 साल की उम्र हुई तो उन्होंने अपनी छोटी लेबॉरेटरी कायम की और सर्जरी पे थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया। 21-22 साल के हुए तो उन्होंने एक दवाई ईजाद की जो काले रंग की थी और उस दवाई पे उन्होंने काम करना शुरू किया। जब 22-23 साल की उम्र में हुए तो उनके साथ उनकी मुलाकात एना के साथ हुई, तो लीजा एना उनके साथ उनकी शादी हुई और एक अदद बेटा उनका हुआ जिनका नाम है चार्ल्स नेव हुआ। आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे। अब उसके बाद 1865 में अमेरिकन सिविल वार लगी। खुद जॉर्जिया की शख्सियत हैं, उसके बाद फिर अमेरिका में सेटल हुए थे। अमेरिकन सिविल वार में उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया। उससे पहले उन्होंने एक मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर खोला था, तो वो दवाइयाँ छोटी मोटी सप्लाई करते थे। अमेरिकन सिविल वार में उनको मौका मिला, अपनी दवाइयाँ वो सप्लाई करने लगे, तो वहाँ उनकी जो काली दवाई थी वो बड़ी कामयाब गई। वहाँ बटालियन जीती फौज जो थी उनमें उनकी दवाई चलने लगी। पहले उसने घुटनों के दर्द का इलाज शुरू कर दिया, उसके बाद चेस्ट पे आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिरी फेज सिविल वार का चला है तो कोलंबो वार चला है। उसमें अल्बानिया के साथ जॉर्जिया का था मोर का, तो उसमें उन्होंने वो जब दवाई सप्लाई की है तो ये सर दर्द के लिए, पेन के लिए बहुत ही सूदमंद साबित हुई है। और इसी कारकर्दगी की बिना पर उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दिया गया और वो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर पेम्बर्टन के नाम से वो जाने गए और बटालियन में लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम उनको दिया गया और उसके साथ बड़े मसीहा कहलाए। इसी दवाई के साथ चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस रेसिपी को चेंज कर दिया और जहन इनका चलता रहा, आइडियाज चलता रहा। उन्होंने क्या किया कि पेन किलर को मिला के उसी काली दवाई को आपस में एक नई रेसिपी दे दी, जिनका नाम रख दिया ग्लोब फ्लावर। ये थी कि जंगों में जो कैदी जख्मी हो जाते थे, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे, स्ट्रेस का शिकार हो जाते थे, ये दवाई उनको पिलाई जाती थी तो उनके पूरे जहन में रिलैक्सेशन दौड़ जाती थी और वो स्ट्रेस फ्री हो जाते थे। बहुत कामयाबी से ये फार्मूले, माइंड इनका चलता रहा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक और रेसिपी इनके साथ मिलाकर इन्होंने एक वाइन तैयार कर ली जिनका नाम इन्होंने पेम्बर्टन वाइन रखा। अब पेम्बर्टन वाइन पूरे बटालियन के बाद आम शहरों में कामयाब हो गई। वो जब इतनी कामयाब गई तो इनको बहुत उसका इनाम मिला और बहुत उनकी शोहरत हो गई। तो एक मरतबा ये सिरप जो चल रहा था ब्रेन और स्टमक के लिए, तो एक मरतबा कहते हैं पेम्बर्टन बैठे हुए थे तो गली में निकले तो कुछ लड़के उनका सिरप निकाल कर पानी में मिलाकर, क्योंकि वो गाढ़ा होता है, उसको थोड़ा सा हल्का करके लिक्विड में वो पीने लगे और शोर शराबा करने लगे जिस तरह आदमी मस्ती में होता है। तो पेम्बर्टन को ख्याल आया कि क्यों न मैं कुछ और तजुर्बा कर लूँ। उसके बाद उसने ये किया कि उस सिरप को, जो गाढ़ा सिरप था, उसमें पानी सोडा मिलाकर
एक नया तजर्बा कर लिया और दुनिया के लिए एक नई चीज़ हो गई और उसका नाम उसने ब्रांड रख दिया कोको कोला। दुनिया में कोको कोला का इन्वेंटर कहलाया और न्यूज़पेपर में आया द इन्वेंटर ऑफ कोको कोला जॉन स्टम्बर पेम्बर्टन को रॉयल्टी मिलने लगी। अब अल्मिया 1888 में वो डेथ हुए हैं, 2 साल उन्होंने पूरी रेसिपी पूरी दुनिया में फैला दी, रॉयल्टी जैसे बनती गई और इनको स्टमक कैंसर हो गया और वो डेथ हो गया। डेथ होने के बाद चार्ल्स नेव जो उनके बेटे थे वो लखपति करोड़पति और अरबपति बन गए। अब जब वो डेथ हुए हैं, अमेरिका में उनको नेशनलिटी मिली थी, डेथ हुए हैं तो टाइम्स मैगजीन लिखता है कि वो एक गरीब होकर मरे मगर उनका जहन बहुत अमीर था। उनके सारे अमला किसी रेसिपी में चले गए, उनकी कोई भी दौलत नहीं थी। यही उनका जनाजा जो था उनकी लाश वहीं उस पर अपने जॉर्जिया में लाए और वहाँ एम्बोज होकर आप नेट पे भी देख सकते हैं, एम्बोज होकर उसकी कब्र पर जो लिखा गया द इन्वेंटर ऑफ कोको कोला नहीं लिखा गया, उस पर लिखा गया सिविल वार का मसीहा लेफ्टिनेंट कर्नल। अब दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो कोको कोला का मौजूद है, उन्होंने उसको एक मसीहा किया। इससे बात ये साबित होती है जो पेन और ब्रेन के लिए चीज़ होती है वो उसको दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं की, उसके मसीहापन को एक्सेप्ट किया। मगर उसकी इन्वेंशन इतनी जानदार है कि दुनिया के हर कोने में फैल गई और लोगों को मजबूरन अपनाना पड़ा। उसके बाद टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, उसने बड़ा कैप्शन मज़ेदार लिखा, उसने लिखा कि ब्रेन के लिए आसूदगी का बनाने वाला दुनिया से चला गया, और एक जुमला लिखा उन्होंने चूँकि वो अमीर नहीं था और वो अपने ही सिरप को और चीज़ को इन्वेंटर को इन्वेंशन को एंजॉय नहीं कर सका मगर दुनिया में एक चीज़ दे गया। अब कहने का मकसद कि माइंड रिचनेस जब तक हमारे जहन में रहेगी तब तक हम नई नई चीज़ें दुनिया को देते रहेंगे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, छोटा हो बड़ा हो, जिसने इस टेस्ट को सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट न किया हो। आप जब तक अपने जहन को चलाते रहेंगे तब तक आपके लिए दुनिया में रास्ते बनते जाएंगे। जिस दिन आप माइंड रिचनेस से काम नहीं लेंगे तो आप एक कोने में गुमनाम होकर दुनिया से चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।